चलिए, लाइफ प्रोसेसेस में हमने लास्ट टर्न पे रेस्पायरेशन तक के पढ़ा था. आज हम न्यू लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जो है ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का बेसिकली मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा वर्ड है जो आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हो. जब भी आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, आप किसी ना किसी ट्रांसपोर्टेशन से जाते हो, या वो सेल्फ होता है या वो पब्लिक होता है. ठीक है, वेदर यू आर पिकिंग अप द टैक्सी और यू हैव अ पर्सनल व्हीकल, आप दोनों में से कुछ भी यूज़ करते हो, बट ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई एक एजेंट आप कह सकते हो यूज़ करते हो. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए. इसी तरह से हमारी बॉडी बहुत बड़ी है, हम जितना भी खाते हैं और जितना भी वेस्ट हमारी बॉडी प्रोड्यूस करके बाहर निकालती है, इन सबको भी ट्रांसपोर्टेशन की नीड है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए. आपने फूड का इनटेक करा, उसे डाइजेस्ट करा, आपकी बॉडी उसे अब एब्जॉर्ब करेगी और एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी. ठीक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से आपकी पूरी बॉडी की एक एक सेल तक के वो खाना जाना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इन द एब्जॉर्बेबल फॉर्म. ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है कि इस खाने को, या आप कह सकते हो एनर्जी को, न्यूट्रिशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है. जैसा कि आपको पता है, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है और कहीं ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम्स और ऑर्गन्स हैं इन कंपैरिजन विद यूनिसेलुलर. ठीक है, इसलिए हमारे पास एक एफिशिएंसी हो, हमारी बॉडी एफिशिएंटली ट्रांसपोर्टेशन कर सके, तो एक सिस्टम है हमारी बॉडी में इस काम को करने के लिए एफिशिएंटली. एक प्रॉपर सिस्टम है जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, यही ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. प्लांट्स के पास भी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ हैं, जिसमें जाइलम फ्लोएम आता है. ठीक है, हमारी बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम है. चलिए, इसके बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे आगे. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमंस की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? ब्लड सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये एजेंट कौन है तो ट्रांसपोर्टेशन कराएगा? ये है ब्लड. क्या है? ब्लड है. ठीक है, जैसे आप एक जगह से आने जाने के लिए, जैसे मान लो अपनी बाइक, अपनी स्कूटी यूज़ करते हो, ठीक है, कार यूज़ करते हो, कुछ इसी तरह से आपकी बॉडी में खाना एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वेस्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो ये सब कौन सा ट्रांसपोर्टेशन पकड़ते जाने के लिए? वो है ब्लड. ब्लड इज़ अ ट्रांसपोर्टिंग एजेंट. ब्लड ट्रांसपोर्ट्स फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटीरियल इन अवर बॉडीज. हमारी बॉडी में फूड का ट्रांसपोर्ट, गैसेस का ट्रांसपोर्ट, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड से ही होकर जाता है लंग्स तक. ठीक है, ऑक्सीजन, वेस्ट मटीरियल इन अवर बॉडीज. ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, जो आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट रखता है आपस में. ठीक है, ब्लड एक ऐसा फ्लूइड मीडियम है जो आपके होल ऑफ द सिस्टम को कनेक्ट रखता है. ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा. ब्लड को जो फ्लूइडिटी मीडियम देता है, आप कह सकते हो लिक्विड मीडियम देता है, वो कौन है? प्लाज्मा है. इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड. कौन सी सेल्स? सेल्स कौन सी इसमें सस्पेंडेड होंगी? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, सुना होगा आपने आरबीसीज का नाम, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये सब क्या हैं? सेल्स हैं ना, जो किसमें हैं? प्लाज्मा के अंदर. यानी ब्लड को जब आप देखते हो तो जो उसकी कंसिस्टेंसी देखते हो या उसकी स्टेट देखते हो लिक्विफाइड, वो कौन प्रोवाइड करता है? प्लाज्मा. पर ब्लड में कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कई सारी सेल्स हैं, वो क्या है? RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स. अबाउट 55%, ये रेशियो याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. अबाउट 55% ऑफ अवर ब्लड इज प्लाज्मा.
हमारे ब्लड का 55% क्या है? प्लाज्मा है. बचा कितना? 45%. अब वो 45% क्या है? दिस 45% आर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स दैट आर सस्पेंडेड इन द ब्लड. मतलब कंप्लीट ब्लड 100%, उसमें से 55% जो वेटेज है वो प्लाज्मा का है, जो उसे लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है. उसके अलावा बचा हुआ 45% किसका है वेटेज? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट्स. अब ये प्लाज्मा क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट. अच्छा, यहाँ पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लिखा है, ऑक्सीजन क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये ब्लड जो है, ठीक है, ये ब्लड है आपका. इस ब्लड में सबसे पहले तो दो डिविजन्स कर लो आप. 55% कौन है? प्लाज्मा. 45% क्या है? वन बाय वन लेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. ठीक है, अब इस ब्लड की एक फंक्शनिंग नहीं होती है, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ब्लड के. ठीक है, और ये बहुत सारे फंक्शंस इसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिखाते हैं. जैसे ब्लड के ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं. ठीक है, आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं, जिसमें से प्लाज्मा तो फ्लूइडिटी दे रहा है. ठीक है, अब प्लाज्मा फ्लूइडिटी देने के साथ साथ और क्या कर रहा है? फर्स्टली तो फ्लूइडिटी दे रहा है ब्लड को. ठीक है, उसके साथ आप क्या देख रहे हो, क्या काम कर रहा है? फूड का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है और नाइट्रोजनस वेस्ट का, जैसे क्या, अमोनिया वगैरह. आपके यूरिन में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको ट्रांसपोर्ट कराने का काम प्लाज्मा कर रहा है. यहाँ पर ऑक्सीजन की बात नहीं करी गई, क्योंकि आपने रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन जब आती है लंग्स तक के तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट के साथ बाइंड करती है. यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट जैसे कि जो कि हीमोग्लोबिन है, उसके साथ ऑक्सीजन की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है. और ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसके साथ आके बाइंड करता है? आरबीसीज के साथ, रेड ब्लड कॉर्पसल्स. ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट आरबीसीज को रेड कलर देता है. ठीक है, तो ब्लड के अंदर ही प्लाज्मा से ऑक्सीजन का कोई मतलब नहीं है. ऑक्सीजन को कैरी करते हैं आरबीसीज. क्या करती हैं? आरबीसीज कैरी करती हैं. मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट्स आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाई द ब्लड. अब ये सॉल्ट्स क्या हैं? सॉल्ट्स का मतलब टेबल सॉल्ट नहीं, जो आप खाने में खाते हो. इसमें कई सारे सॉल्ट्स हैं, जैसे पोटाशियम है, सोडियम है, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम. ये सारे सॉल्ट्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट आपकी बॉडी को होती है. ठीक है, ये सब भी ब्लड ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है. वी डज नीड. अब इतना सारा काम ब्लड कर रहा है, जैसे ये मान लो आपके वाटर सप्लाई जैसा है, आपके घर में वाटर सप्लाई होती है. ठीक है, आपके घर में कई सारे टैप होंगे, कई सारे रिसोर्सेज होंगे जहाँ से वाटर आता है. किचन में एक टैप होगा, बाथरूम में, वॉशरूम में, हर तरफ कोई ना कोई कम से कम 4-5 टैप होंगे आपके घर के अंदर. ठीक है, और ये सारे टैप कनेक्ट किससे हैं? एक पंप से. किससे कनेक्ट है? एक पंप से. वो पंप क्या काम करता है? वो पंप इस पाइपलाइंस को कनेक्ट करता है आपस में और वाटर सप्लाई देने का काम करता है. इसी तरह से आपकी बॉडी में जो ब्लड जहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसे ब्लड वेसल्स कहते हैं. ये ब्लड वेसल्स पाइप्स की तरह हैं जो एक पंप से कनेक्ट हैं. मतलब ये ब्लड फ्लो कैसे कर रहा है? ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे टेढ़े हो गए तब आपके हाथ में ब्लड जाएगा, पैर उठाओगे तब आपके पैर में ब्लड जाएगा, ऐसा नहीं है ना. आप जिस भी मूवमेंट में होगे, जिस भी एक्शन में होगे, आपकी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब कोई एक ऐसा मोटर लाइक सिस्टम है, मोटर लाइक ऑर्गन है जो ऑपरेट होता है और होल ऑफ द सिस्टम में ब्लड को रेगुलेट करवाता है इन द ब्लड वेसल्स. ठीक है, तो वो एक पंप ऑर्गन है जिसका नाम है हार्ट. वी जस्ट नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी. आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को पुश करने का काम एक पंपिंग ऑर्गन करता है. नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स
टू रीच ऑल द टिश्यूज. ये ट्यूब्स क्या है? ब्लड वेसल्स. क्या है? ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स भी पढ़ेंगे आगे अभी हम. टू रीच ऑल द टिश्यूज एंड अ सिस्टम इन प्लेस टू एंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज. ये जो नेटवर्क है ये रिपेयर भी हो सकता है अगर डैमेज हो जाए तो. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी की पूरी नस काट दो और बोलो नहीं अभी ये थोड़ी देर में रीजनरेट कर जाएगी, रिपेयर कर जाएगी. ऐसा नहीं होता है. इस पूरे नेटवर्क में थोड़ी सी इंजरी होती है, लाइक थोड़ी सी कोई वेसल डैमेज हो गई, कुछ डैमेज हो गया, तो ऐसे में क्या होता है ये रिपेयर हो जाती है. ठीक है, क्यों? इसमें कई ज़्यादा बड़ा रोल प्लेटलेट्स का होता है जो कि आपके ब्लड में ही मौजूद है. तो जब आपके ब्लड वेसल से, मान लो ये आपके ब्लड वेसल है, इसमें जब ब्लड फ्लो कर रहा है, इस ब्लड के अंदर RBC, WBC, प्लेटलेट तीनों ही हैं. ठीक है, सब अपना अपना काम करते हुए चल रहे हैं. तो प्लेटलेट अगर रिपेयरिंग का काम करती है तो अपनी ब्लड वेसल को रिपेयर करती हुई जाएगी ना, है ना. तो इसलिए थोड़ी बहुत इंजरीज नेटवर्क में होती है अगर, तो ये कैसा होता है, रिपेयर हो जाता है. यहाँ पर आप देख रहे हो ये हार्ट है, पंप कर रहा है. ठीक है, कैसे पंप कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ध्यान से देखोगे अगर आप इसमें, तो ये आपको देखने को मिल रही है एक ब्लड वेसल. ये एक वेसल है जो कि है का नाम अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी. यहाँ से ये ब्लू कलर जो दिख रहा है आपको, इतने सिस्टम में आप पूरे ट्रांसपोर्टेशन में जहाँ अभी ब्लू कलर देखना, उसका मतलब समझना ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ एक बार फिर से. हाँ, ये ठीक है. जहां पर भी आप ब्लू कलर देखोगे इस तरह से, ठीक है, कहीं पर भी फ्लो आउट करता हुआ ब्लू कलर देखोगे, किसी भी डायग्राम में ब्लू कलर देखोगे, तो इसका मतलब है, क्या मतलब है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अभी नोट डाउन कर लो जैसे आगे जाके कंफ्यूजन ना हो. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑक्सीजन पुअर, कार्बन डाइऑक्साइड रिच. इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन कम होगी. ये इसका फेट क्या है? इसे हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बाहर निकालना है. तो इसलिए ये बेसिकली ये वाला ब्लड हार्ट के थ्रू होकर लंग्स में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को आप एक्सहेल आउट कर देते हो. जहाँ पर आप ऑक्सीजन कॉम्प्लीमेंट्री इनहेल कर रहे हो तो ऑक्सीजन रिच बन जाता है. ठीक है, सिंपली अभी आपको इतना जानना है कि जहाँ पर ब्लू कलर दिखेगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जहाँ पर रेड कलर दिखेगा, जहाँ पर भी आपको रेड कलर देखने को मिल रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऑक्सीजन रिच और कार्बन डाइऑक्साइड पुअर. ठीक है, चलिए इतना जान लीजिए. अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर क्या हो रहा है? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आप देख रहे हो ब्लू कलर का ब्लड अंदर आ रहा है, आर्ट्रियम से होके वेंट्रिकल में जा रहा है, फिर वेंट्रिकल से फिर से वापस कहाँ जा रहा है? इधर से बाहर जा रहा है. कहाँ? लंग्स में. लंग्स ऊपर यहाँ पर बने नहीं है, पर यहाँ से लंग्स में जाएगा. लंग्स से प्योरीफाई होकर पल्मोनरी वेन के थ्रू देखो आप फिर से ब्लड में ड्रेन आउट हो रहा है, और यहाँ से ये वापस निकल रहा है बाहर. यहाँ से कहाँ जाएगा? बॉडी में. यहाँ से जाएगा ये बॉडी में. ठीक है, चलिए अब ह्यूमन हार्ट देखते हैं. ह्यूमन हार्ट, इसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस ऐसी है और इंटरनल अपीयरेंस ऐसी है. ठीक है, एक्सटर्नल तो ये आपको देखने को मिल गया. अब इसको जब आप कट करोगे, कैसे कट करोगे? वर्टिकली कट करोगे. ठीक है, जैसे ये हार्ट है, आपने इसको काट दिया बीच से. ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक एक कटिंग, तो ये खुल के अंदर से ऐसा दिखेगा. ठीक है, अब इसको आपको समझना पड़ेगा टू एक्सप्लेन दी सिस्टम मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन. इसको आप समझने के साथ साथ ड्रॉ करो, नोटबुक लेकर बैठो, बैठे ही होगे ऑब्वियसली.
उस नोटबुक पर इसको ड्रॉ करो और साथ साथ लेबलिंग करते चलो जैसे जैसे मैं बताती चलती हूँ। चलिए 2 मिनट में ड्रॉ कर लो पहले, फिर मैं समझाऊँ इसको। जल्दी से ड्रॉ करो और मुझे फिर डन लिख कर भेजो। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, ड्रॉ इट फास्ट। और बिग डायग्राम बनाना जैसे कि लेबलिंग करना आसान हो, ठीक है। कभी भी आप डायग्राम्स ड्रॉ करो तो बहुत छोटा टाइनी डायग्राम मत ड्रॉ करा करो साइंस में, क्योंकि इसमें लेबलिंग फिर मुश्किल पड़ जाती है, ओवरलैप कर जाती है एक दो चीज़ें। तो इसलिए एक डायग्राम बनाइए, फिर हम इसको समझेंगे। Draw it quickly. This is the vertical section. Vertical section of human heart. हो गया, चलो जल्दी से बनाओ, तो मैं बताती हूँ आगे फिर। Is it done? एवरीवन बताइए, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये आपका जो ह्यूमन हार्ट है, इसमें एक जगह पर हम बॉडी को लोकेट कर लेते हैं, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लंग्स को कर लेते हैं लोकेट, और यहाँ पर बॉडी को कर लेते हैं, ठीक है। इनके बीच में फंक्शनिंग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, आपकी बॉडी में जब आप एक्सहेल आउट करने वाले हो, ठीक है, इसी प्रोसेस के दौरान ये सारे काम होने वाले हैं। जब आप एक्सहेल करोगे कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इसका मतलब जब आप एक्सहेल करने पे आए हो तो आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काफी ज्यादा हो चुका है, ठीक है। आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तब आप एक्सहेल करोगे। बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने का मतलब क्या है, ब्लड में ज़्यादा होना। अभी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इज़ हाई, तो ऐसे में क्या होता है, अब आपका ब्लड जाएगा हार्ट के पास कि हमको प्योरीफाई कर दो। ब्लड बोलेगा मुझे प्योरीफाई कर दो, ऑक्सीजन रिच बना दो और मेरी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दो, ठीक है। इसके लिए बॉडी से ब्लड जाएगा दो, आप कह सकते हो दो वेसल्स के थ्रू। फर्स्टली दोनों को ही वेना कैवा कहते हैं,
एक अपवेना कैवा, जैसे ऊपर की बॉडी से हार्ड या सेंटर में लोकेटेड चेस्ट कैविटी के, ठीक है, ऊपर की बॉडी से कौन लेकर आएगा, वेना कैवा, दो वेना कैवा है, एक ऊपर की बॉडी से लाएगा फ्रॉम दी अपर बॉडी और एक नीचे वाली आपके लेग्स वगैरह से, लेग्स और स्टमक से लोअर वेना कैवा, ठीक है। ये दोनों इम्प्योर ब्लड को लेकर आ गए कहाँ, हार्ट के राइट एट्रियम में, हार्ट के पास फोर चैम्बर्स, ठीक है, फोर चैम्बर्स कौन कौन से, हार्ट के पास फोर चैम्बर्स कौन कौन से, राइट आट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट आट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, ये सबसे थिकेस्ट चैम्बर होता है, यानी इसकी वॉल जो है वो सबसे ज़्यादा थिक होती है और थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, यानी थोड़ी सी पॉइंटिंग होती है, जो आप पोर्शन देख रहे हो ये लेफ्ट वेंट्रिकल का थोड़ा सा पॉइंटिंग होता है, इसीलिए बोला जाता है कि लेफ्ट में हार्ट होता है, बट हार्ट इज़ नॉट ऑन लेफ्ट, लेफ्ट में हार्ट नहीं होता है, हार्ट सेंटर में होता है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल की वजह से, ठीक है। तो ये चार चैम्बर्स, सबसे पहले बॉडी से ब्लड कहाँ आएगा, राइट आट्रियम में आएगा, राइट आट्रियम में आ गया इम्प्योर ब्लड, ब्लू कलर देख रहे हो ना, मतलब इम्प्योर ब्लड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर प्योर ब्लड ऐसे येलो टाइप का दिखा दिया गया, लाइट ब्राउन, क्योंकि ऐसे रेड कलर का हार्ट का बैकग्राउंड था, तो यहाँ पर ये कैसा ब्लड है, ऑक्सीजन रिच, ठीक है, यानी ऑक्सीजनेटेड, और ये कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया सबसे पहले राइट आर्ट्रियम में फिल हुआ, राइट आर्ट्रियम में जब फिल हुआ तो राइट आर्ट्रियम एक्सपेंड करने लगा, ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर जो एक वेल्व प्रेजेंट है, वेल्व इज लाइक अ ढक्कन, जैसे आपकी बॉटल का ढक्कन होता है ना, इस तरह से वेल्व प्रेजेंट है दोनों में, जैसे ही ये फिल होता है प्रेशर से वेल्व ओपन होता है और इस वेल्व के थ्रू आर्ट्रियम खाली होकर वेंट्रिकल को फिल कर देता है, ठीक है। वेल्व ओपन हुआ, वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, यहाँ तक काम खत्म। इसके बाद क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसे ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहाँ आना है, लंग्स के पास आना है, ठीक है। तो ये अब वेंट्रिकल से वापस जा रहा है कहाँ, लंग्स के पास जा रहा है, कैसे, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, दी ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वरना आर्टरीज जो हैं वो कैसा ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड गया कहाँ, लंग्स के पास होने, ऑक्सीजनेटेड, ये कैसा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड था, लंग्स ने इसे ऑक्सीजनेटेड बना दिया। और फिर ये जो लंग्स का रोल है, इसी टाइम आपके साथ कॉम्प्लीमेंट्री रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म भी चल रहा है, जहाँ पर आप सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई थी, ब्लड लेकर आया था, तो आपने उसे एक्सहेल कर दिया, और साथ ही साथ आपने ऑक्सीजन को जो इनहेल करा था ना, तो ब्लड ने क्या करा, इस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, अपनी ऑक्सीजन ले ली, ठीक है। अब ये ब्लड ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजनेटेड होकर वापस आ रहा है हार्ट के पास, ठीक है। कैसे आएगा, पल्मोनरी वीन के थ्रू आएगा, द ओनली वीन दैट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वरना वीन्स क्या कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट द ओनली वीन, इसीलिए क्या लिखा है आगे, पल्मोनरी, पल्मोनरी कनेक्टेड विद द लंग्स, ठीक है। पल्मोनरी सिस्टम, ये आपका ब्रीदिंग है और रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो पल्मोनरी वीन्स कैरी कर रही हैं प्योर ब्लड को, कहाँ ला रही हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम में ला रही हैं, यानी आप समझ गए, आपके राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है और लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ठीक है। लेफ्ट आर्ट्रियम के पास लाई, लेफ्ट आर्ट्रियम में जैसे ही ब्लड फिल हुआ, लेफ्ट आर्ट्रियम कैसे एक्सपैंड हो गया, उसके बाद ऐसे में क्या होता है, फिर से ये वेल्व ओपन होगा, ठीक है, और ये वेल्व जब ओपन होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल को फिल कर देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को फिल कर देगा, उसके बाद अब लेफ्ट वेंट्रिकल को भी खाली होना है कुछ ही देर में, तो अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि अब इसके पास कम्प्लीटली प्योर ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत है, ठीक है, वो कहाँ चला जाएगा, आपकी बॉडी में पूरी सप्लाई हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑर्टा, विद द हेल्प ऑफ ऑर्टा,
बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। इसी मैकेनिज्म को ब्लड हार्ट की पंपिंग मैकेनिज्म भी कहते हैं और डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो इस पूरी मैकेनिज्म में दो बार सर्कुलेशन हो रहा है। फर्स्ट जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होके आया था, हार्ट से दो बार ब्लड गुजर रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड, दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ये आगे हम पढ़ेंगे। ये हार्ट का मैकेनिज्म है पूरा, जिसमें हमने पढ़ा वेना कैवा, दो वेना कैवा, अपर एंड लोअर, जो कि क्या करते हैं, इम्प्योर ब्लड को कैरी करने का काम करते हैं। हार्ट के चार चैम्बर, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्ट्री एंड पल्मोनरी वेंस। पल्मोनरी आर्ट्री पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड लाती है हार्ट में, पल्मोनरी वीन हार्ट से प्योर ब्लड ले जाती है पूरी बॉडी में। ठीक है, दिस इज द सेप्टम। ये क्या है, ये जो रेड कलर का आपको दिखाया गया है, ये है सेप्टम। सेप्टम क्या होता है, सेप्टम इज अ डिवाइडिंग वॉल। ये पूरी हार्ट में जो चैम्बर्स हैं इनको डिवाइड करने का काम करती है। ठीक है, यानी लेफ्ट और राइट साइड को डिवाइड करने का काम कर रही है सेप्टम। और यहाँ पर भी सेप्टम प्रेजेंट है, देखो आप, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में, सॉरी वेंट्रिकल और आर्ट्रियम में भी सेप्टम प्रेजेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर आ जाएंगे वेल्व्स। चलिए, ये आपकी हार्ट की लेबलिंग और उसका मैकेनिज्म भी मैंने आपको यहीं पर बता दिया है, आगे हम पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब पंप द हार्ट। द हार्ट इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन। ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन है विच इज एज बिग एज अवर फिस्ट। जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी होती है उतना ही बड़ा आपका, उसी के आसपास अप्रॉक्स, एकदम कंफर्म तो नहीं बट अप्रॉक्स, उतना ही बड़ा आपका हार्ट होता है। ठीक है, यानी एक बेबी की, अगर आप एक छोटे से चाइल्ड की बात करो तो उसकी जो मुट्ठी होगी वो छोटी होगी आपके कंपैरिजन में। ठीक है, तो जिसकी जितनी बड़ी फिस्ट उसका उतना बड़ा हार्ट। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाई द ब्लड, द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर्स टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन विच इज बेनिफिशियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल, अगर ज्यादा लंबे समय तक आपकी बॉडी में टिक जाए तो इट विल हार्म योर बॉडी। तो ये क्योंकि ये गैसियस वेस्ट है आपकी बॉडी का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ही आपकी हार्ट से ट्रांसपोर्ट होना होता है, दोनों ही ब्लड में है जिन्हें ट्रांसपोर्ट होना है। अगर ये मिक्सअप हो गए तो ब्लंडर हो जाएगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सब मिक्स हो जाएगा आपस में। ठीक है, तो ऐसे में हार्ट को अलग अलग चैम्बर्स में डिवाइड कर दिया गया। ये इस तरह से, जैसे मान लो कोई एक जगह है जहाँ पर आप और आपका राइवल दोनों ही एक साथ रह रहे हैं। ठीक है, बट आप दोनों साथ में एक रूम में नहीं रह सकते, वरना आपका आपकी फाइटिंग वगैरह हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए आपको दो रूम्स दे दिए गए। ठीक है, अलग अलग रहो और अपना अपना काम करो। इसी तरह से ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड के रास्ते अलग अलग हैं, पर एक ही ऑर्गन से होकर जा रहे हैं, बट सेपरेबल है दोनों आपस में। The कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स के पास जाना है। लंग्स के पास जब वो जाएगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रेट रिमूव होगी और ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा। जब लंग्स के पास जाएगा ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, तो लंग्स क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देंगे रिमूव, और उसके बाद ऑक्सीजन को उसी के साथ ही साथ ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे, इनहेल कर लेंगे, तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। हैज टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट। द ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। हम अभी पढ़ चुके हैं, अभी हमें बस रीड आउट करना है। चलिए, ये जो आप देख रहे हो डायग्राम, दिस इज डबल सर्कुलेशन। क्या है ये, डबल सर्कुलेशन। बहुत ही ध्यान से इस डायग्राम को समझेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखोगे सब समझ में आ जाएगा। जो पीछे हमने हार्ट में पढ़ा वही चीज़ है, थोड़ा और इलैबोरेट कर देंगे। सबसे पहली चीज़, आप अपनी बॉडी ले लो। ठीक है,
ये आपकी बॉडी है, ये बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक हो गई राइट साइड और एक हो गई लेफ्ट साइड। इस बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक हो गई राइट साइड और दूसरी हो गई लेफ्ट साइड। ये हमारी राइट साइड है, वो हमारी लेफ्ट साइड है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, ये हार्ट मैंने बताया था ना आपको, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है ना, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज थोड़ा बड़ा होता है बाकी चैम्बर्स के कंपैरिजन में, इस वजह से। चलिए शुरू करते हैं, कहानी यहाँ से शुरू करेंगे। आपकी पूरी बॉडी में फिलहाल आप एक्सहेल करने वाले हो, यानी सोच रहे हो ये बहुत ही नैनो सेकंड्स वाली प्रोसेस है, आप एक्सहेल करने वाले हो, सांस बाहर छोड़ने वाले हो, ठीक है। व्हेन यू आर अबाउट टू एक्सहेल, ऐसे टाइम पर आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, ठीक है। और ये है आपकी बॉडी में कई सारी ब्लड वेसल्स। कौन सी ब्लड वेसल्स? वीन्स। कौन है ये? वीन्स हैं, क्योंकि वीन्स कैरी करती हैं क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। कहाँ से ला रही हैं? पूरी बॉडी से, ठीक है, पूरी बॉडी से। देखो ब्लू कलर दिखाया गया है, ऑक्सीजन पुअर कार्बन डाइऑक्साइड रिच, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीन्स लेकर जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? वेना कैवा के थ्रू हार्ट में जा रही हैं। वेना कैवा ये हो गया अपर बॉडी से आने वाला वेना कैवा, और ये हो गया लोअर बॉडी से आने वाला वेना कैवा। दोनों ही वेना कैवा ब्लड को लेकर आए, कहाँ लाए? राइट आर्ट्रियम में। पहले जब राइट आर्ट्रियम में आए तो वेल्व ओपन हुआ, जब राइट आर्ट्रियम फिल हो गया तो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच का वेल्व ओपन हुआ और वेंट्रिकल को फिल कर दिया, ठीक है। जब ये वेंट्रिकल फिल हुआ तो फिर क्या होगा? अब ये हार्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में सर्कुलेट कर रहा था वो किसको देगा? लंग्स को देगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। अभी भी आपने एक्सहेल नहीं किया है, ठीक है, अभी आपने सिर्फ इनहेल करा है, इनहेल चल रहा है, अभी आपने एक्सहेल नहीं करा है, ठीक है। यानी अगर आप इनहेल कर लो और ये सारी प्रोसेस सोचो फिर एक्सहेल करो, तो समझ लो ये उसके बीच की प्रोसेस है सारी जो आपकी बॉडी में हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ये राइट वेंट्रिकल ब्लड देगा किसको? लंग्स को। किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी ब्लड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। अब ये आ गया लंग्स के पास, ठीक है, जिसे बोल रहे हैं पल्मोनरी सर्किट, यानी ये जो पल्मोनरी वर्ड है ये लंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है। ये ब्लड आ गया हार्ट के पास, अब क्या होगा? अब आपने करा एक्सहेल, एक्सहेल करा, देन आप इनहेल भी तो कर रहे हो साथ में, ठीक है। जब आपने एक्सहेल कर दिया तो ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो था मोस्ट ऑफ द बॉडी ने आपकी एक्सहेल आउट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है। अब यहीं पर ब्लड में जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है ऑक्सीजन आ रहा है, यानी अब इसका कलर रेड हो चुका है। अच्छा, रियल में ब्लड का कलर ब्लू नहीं हो जाता है, ये मत सोच लेना, ठीक है। अब इसका कलर कैसा हो गया? रेड हो गया, ठीक है, इसमें डायग्राम में रेड हो गया, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ चुकी है ब्लड में। यानी अब लंग लेफ्ट वाला जो लंग्स हैं, जो लेफ्ट वाला लंग है इसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा आ चुका है ब्लड में। अब ये ऑक्सीजनेटेड बन चुका है और बॉडी में सप्लाई होगा। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब लंग्स के थ्रू एक वीन है जो कि है पल्मोनरी वीन, द ओनली वीन टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से? लेफ्ट वाले लंग से लेकर आ रही है ब्लड को। किसके थ्रू लेकर आ रही है? पल्मोनरी वीन ब्लड लेकर आ रही है। कहाँ आएगी? लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगी। लेफ्ट आर्ट्रियम अगेन वही कहानी, फिल हो गया, एक्सपैंड हो गया तो वेल्व को ओपन कर दिया और लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। लेफ्ट वेंट्रिकल फिल हो गया तो अब आपकी बॉडी को सप्लाई करने के लिए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलेगा विद द हेल्प ऑफ दिस ऑर्टा एंड ब्रांचेस। आपकी पूरी बॉडी में आधा हिस्से ने अभी काम कर रहा था, किस लिए? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा था। अब ये आ गया हार्ट के पास, हार्ट से आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई हो गया, ठीक है।
कैपिलरी बेड ऑफ ऑल बॉडी टिश्यूज वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स. ठीक है, टिश्यू तक जाने के लिए छोटी छोटी ब्लड वेसल्स यूज होती हैं, जो कि होती हैं कैपिलरीज. ब्लड वेसल्स आप पढ़ोगे तीन तरह की, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. आर्टरीज विच कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी बॉडी, ठीक है, फ्रॉम दी हार्ट टू दी बॉडी. वेन्स विच कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी बॉडी टू दी हार्ट. ठीक है, उसके बाद जो कैपिलरीज होती हैं वो बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आपकी छोटे छोटी जगहों पे जहाँ पे टिश्यूज़ वगैरह होते हैं वहाँ पर मिलती हैं, छोटे छोटे टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं. ठीक है, पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करें वो है सिस्टमिक वेन्स. पूरी बॉडी तक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएँ वो है सिस्टमिक आर्टरीज. आई होप आप समझ गए होंगे ये सारी कहानी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. समझ में आया तो मुझे बताओ एक कि समझ में आ गया. डू यू अंडरस्टैंड? देन टेल मी. चलिए, आ क्या समझ में? आगे बढ़े. देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है ये, और समझ में आ गया तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इजी पड़ जाएगा ये पूरा मैकेनिज्म. ठीक है, इसलिए मैंने आपको समझाया दो बार इस चीज़ को. अगर समझ में आया तो मुझे बताओ, नहीं आया तो बताओ, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूँ. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑक्सीजन रिच ब्लड, अब ये हम थ्योरेटिकल फॉर्म में पढ़ेंगे. अभी तो हमने पूरा पाथवे देख लिया, कैसे पैसेज होता है ब्लड का एक जगह से दूसरी जगह. अब इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, यहाँ पे लेफ्ट साइड की बात चल रही है, लंग्स से आ रहा है ऑक्सीजन रिच ब्लड. कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर आर्ट्रिया. आर्टरिया की जो वॉल होती है, आर्टरिया की जो वॉल होती है वो थिन होती है, और वेंट्रिकल की जो वॉल होती है, वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो थिक होती है. ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट, द लेफ्ट आर्टरियम, द लेफ्ट आर्टरियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड. जैसे जैसे ब्लड को कलेक्ट कर रहा है लेफ्ट आर्टरियम, वो एक्सपैंड हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है. ठीक है, आफ्टर दैट इट कॉन्ट्रैक्ट्स वाइल द नेक्स्ट चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स. जैसे ही ये लेफ्ट आर्टरियम फिल हो गया प्योर ब्लड से, ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम फिल हो गया तो ये फैल गया. उसके बाद जब वेल्व ओपन होगा, वेल्व पे प्रेशर पड़ेगा, वेल्व ओपन होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और नीचे वाला एक्सपैंड करेगा, वेंट्रिकल एक्सपैंड करेगा. ठीक है, सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट. व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, अब जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब क्या हो रहा है, ऐसे टाइम पे ब्लड बाहर जा रहा है. ऑर्टा के थ्रू कहाँ जा रहा है? बॉडी में. हम प्योर ब्लड की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिच. ठीक है, व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स इट इन इट्स टर्न द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी. ठीक है, ये तो हो गई आपकी लेफ्ट साइड की कहानी हार्ट के. डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, अब जब पूरी बॉडी को सप्लाई हो गई ऑक्सीजन रिच, तो अगेन अब पूरी बॉडी में इनहेल करने का एक्सहेल करने का वक्त आ चुका है. ब्लड में अगेन कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है, अब उसको हैंडल करना है. डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी, पूरी बॉडी से आएगा. कहाँ? टू द अपर चैम्बर ऑफ द, टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट, राइट साइड वाले अपर चैम्बर में, जिसका नाम है राइट आर्ट्रियम. तो ऐसे में क्या होगा, ये फिर से एक्सपैंड, रिलैक्स करेगा. ठीक है, एज द राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके बाद जब फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऐसे में क्या होगा, जो करस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर है जिसे राइट वेंट्रिकल कहते हैं वो डायलेट करेगा. यानी दोनों एक साथ रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे. जब एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऊपर वाला चैम्बर यानी राइट
आर्ट्रियम, जब कोई भी आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे वाला रिलैक्स फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि उसमें ब्लड जाने लगेगा ना, फिल होने लगेगा तो रिलैक्स फॉर्म में हो गया। फिर जब वेंट्रिकल, जब भी कभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसका मतलब वो या तो लंग्स के पास जा रहा है या बॉडी के पास जा रहा है। डीऑक्सीजनेटेड है यानी राइट वेंट्रिकल, तो वो लंग्स के पास जाएगा, देगा कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी लेफ्ट वेंट्रिकल, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होकर पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा है, किसके थ्रू, ऑर्टा के थ्रू। ये सारी चीजें याद हो जानी चाहिए। एज द राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट द करेस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर राइट वेंट्रिकल डायलेट्स, दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पंप्स इट टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन। राइट साइड की बात हो रही है यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है। जब वेंट्रिकल पंप करेगा तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू किसको दे देगा, लंग्स को दे देगा। क्या दे देगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर ऑक्सीजनेशन। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इन टू द वेरियस ऑर्गन्स विद द हेल्प ऑफ व्हाट, अरोटा, ऑर्टा। दे हैव थिकर मस्क्यूलर वॉल्स देन द आर्ट्रिया डू। पहले मैं बता चुकी हूँ आर्ट्रियम से ज्यादा वॉल थिक होती है वेंट्रिकल की। वेव्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द आर्ट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। वेव्स इस चीज को इंश्योर करते हैं कि जब आर्ट्रिया अपना ब्लड वेंट्रिकल को दे रहा होता है तो वो ओपन हो जाते हैं, जैसे ही वेंट्रिकल भर जाता है वो क्लोज हो जाते हैं, जिससे कि कहीं कोई बैक फ्लो ना हो जाए, वेंट्रिकल्स बॉडी में या लंग्स में ना जाके वापस आर्ट्रियम में चला दे दे ब्लड को, तो वेव्स क्लोज हो जाते हैं, ये बैक फ्लो से बचाते हैं। चलिए अब आते हैं डबल सर्कुलेशन पे। वॉट इज डबल सर्कुलेशन, पढ़ चुके हैं, सिर्फ एक बार रीड आउट कर रहा है हमें, ठीक है। ये पूरा सिस्टम मैं बता चुकी हूँ आपको क्या होता है डबल सर्कुलेशन, एक बार पढ़ लेते हैं। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। ये सेपरेशन किससे बचाता है, मिक्सिंग से रोकता है, इसलिए लेफ्ट और राइट साइड चैम्बर्स में डिवाइडेड है। सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। अगर ये सेपरेशन ना होता तो ऑक्सीजन का सप्लाई एफिशिएंटली ना हो पाता, कई बार ऐसा होता कि वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स हो जाती। दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स विच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। हाई एनर्जी रिक्वायर्ड बॉडीज जो होती हैं, जैसे हमारी बॉडी है, बर्ड की बॉडी है, बिकॉज उसको फ्लाई करना होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसी बॉडीज़ में ये चार चैम्बर्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि ऑक्सीजन को कम्प्लीटली अच्छी तरह से सप्लाई कर सके बॉडी में। इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पज द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट। वो एनिमल्स जो इस एनर्जी को यूज नहीं कर सकते, किस लिए, पंपिंग के लिए, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट। उनका टेम्परेचर बॉडी रेगुलेट ना करके एनवायरमेंट रेगुलेट करता है, जैसा एनवायरमेंट होता है उनका टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंगली रिलेट करता है, कैसे रेगुलेट करता है। बट अगर हम अपनी बात करें तो हम अपनी बॉडी का कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं विद दिस पंपिंग मैकेनिज्म, ठीक है। बट जिनके पास एफिशिएंट हार्ट नहीं है, चार चैम्बर्स नहीं है, जैसे कि रेप्टाइल्स, वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर को अपने रेगुलेट करते हैं। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस, आप एम्फीबियंस की बात करो, रेप्टाइल्स की बात करो, दे हैव थ्री चैम्बर्ड हार्ट एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। यानी अगर हम ह्यूमन्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें, तो वी हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। हम ब्लड की मिक्सिंग टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, हमारी बॉडी के फंक्शंस ऑल्टर हो जाएंगे, हमें वो प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाएगी जिससे हमारी लाइफ प्रोसेसेस काम कर सके। बट
और हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन भी इसी से होगा, ठीक है। लेकिन अगर एम्फीबियंस की बात करें, एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की, तो इनके पास 3 chambered हार्ट है। ये थोड़ी सी मिक्सिंग टॉलरेट कर लेते हैं, ये इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को रेगुलेट कर सकते हैं इसलिए, ठीक है। तो दे टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ दी ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। फिशेस की बात करें, ऑन दी अदर हैंड हैव ओनली 2 chambers टू देयर हार्ट। फिशेस के पास सिर्फ 2 chambers, ये क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 3 chambered हार्ट, ठीक है, आंसर बताना मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 3 chambered हार्ट, ए ह्यूमन, बी फ्रॉग, सी स्नेक एंड डी बोथ ए बी एंड सी, बोथ बी एंड सी, बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट, फ्रॉग स्नेक ह्यूमन या फिर फ्रॉग और स्नेक दोनों ही, किसके पास 3 chambered हार्ट होता है, बताइए जल्दी से विच ऑप्शन इज करेक्ट। बी, एक बच्चे ने बोला बी, अरसलान, फ्रॉग, आप फ्रॉग बोल रहे हो, ठीक है। बाकी बच्चे बताओ क्या है, फिर मैं बताती हूँ। सब लोग बताइए मुझे इसका आंसर, देन आई विल एक्सप्लेन। सी, इरम सी बोल रही हैं, स्नेक, और उसके बाद बोथ वाले भी हैं कुछ, ए, अच्छा ए वाले भी हैं, ह्यूमन 3 chambered हार्ट, ठीक है, गुड। ह्यूमन के पास 3 chamber है ना, अभी लास्ट, अभी हम इतनी देर से 4 chambers की मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, जीशान आप बोल रहे हो 3 chamber, गुड। सारे ही आंसर आ गए हैं ऑलमोस्ट, किसी की मेजॉरिटी नहीं है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इज डी, क्योंकि फ्रॉग एक एम्फीबियन है, क्या है, एक एम्फीबियन है, और स्नेक एक रेप्टाइल है, क्या है, रेप्टाइल है, और दोनों के ही 3 chambered हार्ट होते हैं, यहाँ पर हमने देखा। Like amphibians and many reptiles have 3 chambered heart which tolerate some mixing. तो इसका option D is correct, right? Both B and C, amphibian और reptile दोनों के पास ही 3 chambered heart होगा। Fishes की बात करें, इनके पास 2 chambered heart होता है, ठीक है, fishes, या फिर इनके लिए एक ऑल्टरनेट टर्म और यूज़ होता है, टेक्निकल टर्म पाइसेस, ठीक है, पाइसेस करके भी क्वेश्चन आ सकता है, पाइसेस हैव 2 chambered हार्ट। अब आपको पता नहीं होगा कि पाइसेस फिश के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, थीके? तो ये वाला क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, दैट पाइसेस हैव 2 chambered हार्ट, 3 chambered हार्ट, 4 chambered हार्ट और 9 chambered हार्ट, हार्ट में कोई चैम्बर ही नहीं है, ठीक है। तो आप घूम के रह जाओगे कि कौन सा करें, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं पाइसेस होता क्या है, ठीक है। तो यू मस्ट नो फिशेस के लिए टर्म पाइसेस यूज करते हैं, हैव 2 chambers टू देयर हार्ट्स एंड द ब्लड इज पम्प टू द गिल्स, इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पास डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ब्लड पम्प हो जाता है गिल्स में, ठीक है, जब गिल्स में जाता है ब्लड पम्प होके, तो वहीं पर ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल, यानी ये हार्ट हो गया 2 chambered का, ठीक है, फिश का ये हार्ट है, यहाँ पर पूरी बॉडी से होकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है, कहाँ गया, गिल्स के पास गया, गिल्स में ऑक्सीजनेटेड हुआ और गिल्स से डायरेक्टली पूरी बॉडी में सप्लाई हो गया, ठीक है। तो ब्लड हार्ट के पास बस एक ही बार आ रहा है पूरी साइकिल में, तो ये सिंगल सर्कुलेशन है, बट हमारी जो साइकिल थी सर्कुलेशन की,
हार्ट के पास दो बार ब्लड आ रहा था, एक बार डीऑक्सीजनेटेड, दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड, तो इसलिए वो डबल सर्कुलेशन था. ठीक है, द ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी. ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल इन अदर वर्टिब्रेट्स. दिस इज ऑल्सो, दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. वर्टिब्रेट्स में जब ब्लड दो बार सर्कुलेट होता है, वही ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन. द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स देखते हैं, ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन देखा, ब्लड वेसल देख लें एक बार. आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड. आर्टरीज वो ऐसी वेसल्स हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट. लिख लो एक बार, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं लिखवाऊंगी. आर्टरीज वो वेसल्स हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से लेकर जाती हैं ब्लड को. ठीक है, कहाँ लेकर जा रही हैं? बॉडी के पास. ठीक है, देखा जाए तो पल्मोनरी आर्टरी भी हार्ट से ब्लड को लेकर ही जा रही है, बस डीऑक्सीजनेटेड है, वो लंग्स तक लेकर जा रही है. ठीक है, और वेन का काम होता है हार्ट को बॉडी तक, ब्लड को हार्ट तक लाना बॉडी से. ठीक है, वेन का काम होता है, और पल्मोनरी वेन भी ब्लड को हार्ट तक ही ला रही है, बस ऑक्सीजनेटेड ला रही है. ठीक है, तो लाने ले जाने में सारी आर्टरीज इंक्लूडिंग पल्मोनरी ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती है. ठीक है, और वेन्स ब्लड को हार्ट तक लाती हैं. ठीक है, आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी. सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल. जब हार्ट से ब्लड आता है, ठीक है, जब हार्ट से ब्लड सप्लाई होता है पूरी बॉडी में, जो कि कौन लेके जा रही है? आर्टरीज लेकर जा रही हैं, तो काफ़ी प्रेशर हाई होता है, क्योंकि हार्ट तो मोटर है ना, पंप है, काफ़ी हाई प्रेशर से ब्लड को बाहर फेंकेगा. ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर हाई होता है, तो जो आर्टरीज की वॉल है वो थिक होती हैं, जिससे बर्स्ट ना हो जाए प्रेशर की वजह से. ये कैसी होती हैं? थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, कि ठीक है ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, थोड़ा सा एक्सपेंड हो गए, फिर डायलेट हो गए इस तरह से. वेन्स की बात करें, वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट. वेन क्या काम करती हैं? बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और हार्ट तक ले जाती हैं. दे डू नॉट नीड थिक वॉल्स, इन्हें थिक वॉल्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हार्ट और बॉडी दोनों को अगर आप कंपेयर करो प्रेशर को, ठीक है, तो जो हार्ट से ब्लड निकलेगा वो बहुत ही हाई प्रेशर में निकलेगा, पर जब बॉडी से ब्लड निकलेगा, मतलब बॉडी की वेन से हार्ट तक जाएगा, तो उसका प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा, लो प्रेशर होगा. तो इसलिए वेन्स का काम बॉडी से ले जाना है, तो इनको थिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको ज़्यादा प्रेशर नहीं झेलना है. दे हैव थिन वॉल्स, ठीक है, दे डू नॉट हैव थिक वॉल्स बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर. इंस्टेड दे हैव वेव्स दैट इंश्योर दैट ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन. इनके पास वेव्स होते हैं जिसे ये इंश्योर हो कि इन ब्लड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो, क्योंकि वापस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में नहीं जा सकता. ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी डिवाइड्स इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स टू ब्रिंग द ब्लड इन द कॉन्टैक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल्स. जब ऑर्गन के पास आती है बारी, यानी जैसे मान लो आप किडनी, ठीक है, किडनी मान लो, लीवर मान लो, ठीक है, जब एक आर्टरी लेकर आ रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर में, तो लीवर के पास छोटी छोटी कई सारी हजारों सेल्स हैं. ठीक है, इन सेल्स तक, इन टिश्यूज़ तक ब्लड पहुंचाना है, सेल्स के ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं, इन टिश्यूज़ तक ब्लड पहुंचाना है, तो ये बड़ी सी आर्टरी तो नहीं पहुंचा पाएगी, तो ये जो आर्टरी है ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और टिश्यूज़ को ब्लड से कनेक्ट कराने का काम करती है. ये छोटे छोटे ब्लड वेसल्स को बोलते हैं कैपिलरीज. क्या बोलते हैं? कैपिलरीज. आगे देखते हैं, द स्मॉलेस्ट वेसल्स हैव वॉल्स
विच आर वन सेल थिक एंड आर कॉल्ड कैपिलरी. सिर्फ वन सेल थिक, जितनी थिक एक सेल होती है उतनी ही थिक होती है ये ब्लड वेसल कैपिलरी. देखो यहाँ से आर्टरी आ रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर ही आ रही होगी, ठीक है. और ये आर्टरी जैसे ही टिश्यू में पहुंची, टिश्यू की सेल में, ये पूरी टिश्यू की सेल है जो येलो कलर की दिखाई गई है, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई जिससे कि पूरे टिश्यू में ब्लड को सप्लाई कर सके, तो इसे कैपिलरीज बोल रहे हैं, ठीक है. जैसे ये मान लो आपकी ब्रांच है, ठीक है, उस पर एक लीफ लगी है, ठीक है, इसको कैपिलरी मान लो, इसको आर्टरी मान लो, और ये जो चीज़ जॉइन कर रही है एक आर्टरी को कैपिलरीज से, ठीक है, उसे बोलते हैं आर्टीरियोल. एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी है कि वेन आ रही थी ब्लड को कलेक्ट करने के लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है, तो टिश्यूज से अगर निकालना है तो वही कैपिलरीज देंगी, ठीक है. तो यहाँ पर भी वेन्स के भी कई सारे पार्ट्स डिवाइडेड हो गए छोटे छोटे कैपिलरीज में, और जो बिग वेन को छोटी इन छोटी कैपिलरीज से ज्वाइन करने की जगह है उसे बोलते हैं वेन्यूल, ठीक है. एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल. इस वॉल के थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटीरियल होता है. द कैपिलरीज देन जॉइन टूगेदर टू फॉर्म वीन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और द टिश्यू, ठीक है. आर्टरी क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, आर्टरी डिवाइड हो रही है कैपिलरीज में, ब्लड को सप्लाई दे रही है टिश्यू तक के, और अगेन यही कैपिलरीज जो हैं फिर जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं तो एक वीन को दे देती हैं ब्लड डीऑक्सीजनेटेड. चलिए इतना समझ में आया, एक बार सम अप कर लेते हैं आर्टरीज और वेन्स का. आर्टरीज को कैसे याद रखना है, आर्टरीज को अवे से याद रखो आप, ए फॉर आर्टरीज, ए फॉर आर्टरीज और ए फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट. सारी कहानी किसकी है, ब्लड की है, है ना. सारी बात तो यहाँ पर ब्लड की चल रही है, ब्लड के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है. आर्टरीज जो हैं वो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट ले जाएंगी, हार्ट से दूर. वेन्स जो हैं वो टूवर्ड्स द हार्ट, टूवर्ड्स द हार्ट, ये लिख लो और ऐसे ही याद रखना, ठीक है. टूवर्ड्स द हार्ट वेन्स, बॉडी की सारी वेन्स जो इम्प्योर ब्लड ला रही हैं सिस्टमिक वेन्स, उनके लिए कंबाइनली एक टर्म यूज करेंगे, सिस्टमिक वेन्स जो इम्प्योर ब्लड C+CO2 से दिखा रही हूँ मैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो इम्प्योर है, डीऑक्सीजनेटेड है, सिस्टमिक वेन्स कैरी कर रही है. एक ओनली वेन है जो है पल्मोनरी वेन, ठीक है, वो क्या कर रही है, प्योर ब्लड कैरी कर रही है लेकिन लेके हार्ट के ही पास जा रही है, काम वो वेन वाला ही है लेकिन बस थोड़ा सा जो मटीरियल है वो चेंज हो गया है, ठीक है. सारी आर्टरी हार्ट तक ब्लड ले जाने वाली, सॉरी हार्ट से ब्लड लेकर आने वाली, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है बोलने में, ठीक है, बट ध्यान रखना कि आप क्या लिख रहे हो और क्या बोल रहे हो. आर्टरीज जो कि हार्ट से ब्लड लेकर जा रही है सारा बॉडी तक के, कौन हो गई, सिस्टमिक आर्टरी. सिस्टमिक आर्टरीज एक अकेली आर्टरी जो हार्ट से ब्लड लंग्स तक लेके जा रही है ना कि बॉडी तक के, नाम क्या है उसका, पल्मोनरी आर्टरी. क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है. काम वही है अगेन हार्ट से दूर ब्लड ले जाने का, बट मटेरियल चेंज हो गया है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड हो गया है और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है. चलिए इसे लिख लीजिए इसी तरह से, सम अप कर ले जिससे कि जब आप रिविजन करने चलो तो बहुत आसानी से रिवाइज हो जाए. ये क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे. अच्छी तरह से रिवाइज कर लिएगा आज ही, एक बार आज एक बार कल फिर से क्लास से पहले, डबल सर्कुलेशन और हार्ट को, ठीक है, क्योंकि ये समझ में एक बार आ जाता है तो रिवीजन की नेसेसिटी बहुत पड़ती है. आप बार बार रिवाइज करोगे इसको तब अच्छी तरह से याद हो जाएगा आपको, अभी छोड़ दोगे तो बहुत आराम से भूल जाओगे सब कुछ, ठीक है. ओके, थैंक यू क्लास.